अलीगढ़ महानगर के गांधी पार्क क्षेत्र के एलमपुर सब स्टेशन के चंद्रलोक इलाके में बृहस्पतिवार को सीढ़ी से गिरकर जख्मी हुए संविदा कर्मी पेट्रोलमैन की मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजन विफर गए और शव लेकर शुक्रवार सुबह सब स्टेशन पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा काटा। शव रखकर करीब 3 घंटे से ज्यादा चले इस हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपना प्रदर्शन करते रहे और लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करने लगे। बता दें, बीते दिन बारिश के कारण एलमपुर बिजली घर क्षेत्र के टाउन फीडर के चंद्रलोक कॉलोनी में समस्या आ गई थी। लाइनमैन चेतन सीढ़ी पर चढ़कर लाइन की समस्या को दूर कर रहा था कि नीचे से कुछ जरूरी सामान देने के लिए पेट्रोलमैन जगदीश शर्मा सीढ़ी पर चढ़ा। इसी दौरान पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। आनन फानन में कर्मियों द्वारा नजदीकी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जगदीश की मौत हो गई। वहीं 45 वर्षीय जगदीश शर्मा की मौत की सूचना पर परिजन भी आ गए और एकत्रित होकर जमकर हंगामा काटा, जहां स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया और बिजली विभाग के लिए भी जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों से परिवार ने 5 लाख रुपए मुआवजा और एक नौकरी की मांग रखी। वहीं अधिकारियों ने उनकी मांगों को पूर्ण करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब तो यहाँ बिजली घर पे हो रहा, वरना टीवीएस पे होगा। अब ये अब नहीं होगा क्रोध शांत। 10 मिनट का समय है ये, यहाँ करने से कोई देखने आया प्रशासन शासन कौन सा विभाग देखने आया है? अब 10 मिनट समय प्रशासन को भी और शासन विभाग को भी। बस पिंकी शर्मा मेरा नाम है। पिंकी, ये बताइए क्या हुआ है इनको? ये जो बॉडी है, ये इनकी ड्यूटी थी सुबह 10 बजे से, ये ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पर से करीब 3-3.5 बजे के लगभग, ये 4 बजे होंगे, इतना ही टाइम हो रहा था। मेरे पास तो सूचना करीब 5 बजे के करीब आई है। इन्हें ले जाकर हॉस्पिटल भर्ती कर दिया, इन्हें चलती हुई लाइन पर, पोल पर चलते हुए पर, और इन्हें चढ़ा दिया बिना शट डाउन के। ये काम किया करते थे? जी हाँ, बिजली विभाग में काम करते थे, पेट्रोल मैन थे ये। कितने समय? इन्हें करीब 20 साल हो गए जी। कौन से बिजली घर से थे? एलमपुर बिजली घर है। एलमपुर जी। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी है 53-54। तो ये जब से बिजली का ही काम किया करते थे? जी हाँ। तो ये बिजली घर वाले क्या कह रहे हैं? बिजली घर वाले कहेंगे क्या? बिजली घर वाले तो ताले लगाकर भाग गए थे रात को ही। अभी तक कोई नहीं आया? करीब हमें 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे से मैं ऐसी बैठी हूँ लेकर। जी, उनके संग बॉडी रख के आप बिजली घर पे बैठे? जी हाँ, मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय के लिए बैठी हूँ। मेरा नाम है अंशुल शर्मा। अंशुल, क्या हुआ है आपके चाचा के साथ? इनकी डेथ हुई है सर, विभाग की लापरवाही के कारण, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण। कैसे? ये इनको कंप्लेंट आई थी सर, कंप्लेंट पे जब विभाग के पास आती है ऊपर से कंप्लेंट, तो विभाग के अधिकारी को पहले शटडाउन करना होता है, उसके बाद कर्मचारी को काम पे भेजना होता है। लेकिन कर्मचारी ने इनके अधिकारी ने शटडाउन नहीं किया, उससे पहले ही इनको वहाँ पे भेज दिया लाइन पर। लाइन पर पहली बात तो सर, ये लाइनमैन है नहीं, ये पेट्रोलमैन है। पेट्रोलमैन होने के बावजूद भी लाइनमैन लाइन सही करने नहीं चढ़े और इनको चढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? इनको फिर पोल पर झटका लगा, शॉर्ट लगा, शॉर्ट सर्किट से ये नीचे गिरे। डेथ हो गई? इनके सर में चोट आई और ब्रेन हैमर होने की वजह से इनका मतलब माइंड ब्रेन ब्लॉक हो गया, इनकी डेथ हो गई। आज कहाँ पे ले गए? आज यहाँ पे हम डूडा ऑफिस डूडा कॉलोनी में लेके आए हैं, बिजली घर पे, और यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक उन अधिकारियों को सजा नहीं हो जाती, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हाँ, सारा कुछ यही है, सारी रिपोर्ट वगैरह सारी यही है, लेकिन अभी तक कोई भी विभाग का अधिकारी कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। सर, ये जो कर्मचारी की मौत हुई थी, इसमें किस तरीके की? एक्चुअली है क्या कि जो है शटडाउन में कहीं कोई गड़बड़ी होने की वजह से जो है इस तरह की घटना हुई है, तो उसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ FIR भी जो है करा दी गई है, और उसमें बाद में देख लिया जाएगा कि इसमें जो है वास्तव में दोषी कौन है, या जो भी चार्जशीट वगैरह होगी वो उसकी कार्रवाई मृतक से की जाएगी।
और एक्सचेंज साहब मेरे पास में ही हैं, और जो विभाग की व्यवस्था है उसके तहत जो इस तरह की कोई भी घटना होती है तो एक शर्टन धनराशि की जो है उसके लिए परिवार के लिए एक सांत्वना के रूप में दिया जाता है, न कि किसी के मृत्यु के बदले में। वो तो वो धनराशि जो है लगभग 7.5 लाख रुपए है, क्योंकि उनके दो छोटे बच्चे हैं, बच्चों की भी ज़्यादा उम्र नहीं, 24-25 साल का दिख रहा था, 18-19 साल का तो बच्चे, पूरा परिवार भी सड़क पे है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए तो जो है जैसा परिवार के लोग चाह रहे थे, तो उसमें एक किसी बच्चे को जो है जिस तरह से उनके पिता जो है वहाँ पर संविदा कर्मी थे, उसी तरह से किसी बच्चे को भी जो है संविदा पे जो है एडजस्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग करा देंगे। बाद बाकी दुख की घड़ी है, इसमें सभी लोगों और सभी की जो है शोक संवेदना उनके साथ है, पूरे परिवार के साथ हम लोग प्रशासन खड़ा है, और यथासंभव अन्य जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए ET News India, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।